क्या हिल लगाएंगे और एल्बो इस्तेमाल करेंगे, बॉडी को ऊपर उठाएंगे, तो ये
ऐसा अगर एल्बो लगाएंगे आप और हिल लगाएंगे तो आप अपने पाँव को रोक सकते हैं। तो खड़े होना है तो आपने पाँव को किक करना है, कैसे करेंगे, एड़ी से जोर से, और हिप के ऊपर बैठ जाएंगे। हिप के ऊपर बैठ जाओ, अपना बॉडी को धीरे से हिप के ऊपर लाओ, खड़े हो जाओ। ये पोजिशन, अभी घूमना है तो आप क्लाइंबिंग करना ऊपर तो आप दूसरे टेक्निक ऊपर की ओर टो लगाओ, एक टो ऊपर की ओर दूसरा टो ऊपर की ओर, ये पोजिशन। वो भी आपने बॉल को रोकना है, कैसे रोकना है, आगे को अभी इसमें क्या टो लगाएंगे और एल्बो, बाकी रास्ता तो पार्ट को ऊपर उठाना बॉडी का, समझ गए। इसके बाद आप हाथ लगा के टो को किक करके स्टेप लेके अपना पोजिशन बना सकते हो। मेन रोल क्या है इसमें, हमने फ्रिक्शन ट्रेड ज्यादा करना है, किसके साथ चार पार्ट के साथ। अगर हमारी बॉडी को हम इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि बॉडी में हमने हमारा क्या स्लिप की क्लोथिंग है, फ्रंट फॉल में बॉडी को रोटेट करना, रोटेट करने के बाद आपने एल्बोज लगाना है, एक तो आपने हिप पर आप साइड पार्ट मिल जाना है, कोई भी हिप के ऊपर बैठना, आइस एक्स को साइड में पकड़ना, कैसे पकड़ेंगे एक्स को, देखो एक तो एक्स को आपने क्या है सेल्फ अरेस्ट पोजीशन में रखना है, और एक्स को पकड़ने के लिए दूसरा हाथ आपने क्लोज टू अपने क्लोज पकड़ना है हिप के पास, पिक सो डाउन साइड रख सकते हैं या साइड बार बाहर की तरफ को, लेकिन अपने साइड में रखना है, समझ गए। ओके, हिप के ऊपर बैठना है, नीज बेंड करना है, बूट के टो लगाना है। बूट के टो क्यों लगाते हैं, हम आगे की तरफ कोई भी अनइवन हिप के ऊपर बैठना है, इसके ऊपर बॉडी को क्रॉच करना छोटा बैठ, तो ये आपके स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा उसके लिए एबिलिटी लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करना। हम ऐसे बिगनिंग में स्पेंडिंग करेंगे, ऐसे ही आइडिया नहीं है कुछ नहीं, तो मैक्सिमम टाइम फॉल होने के ज्यादा चांस रहते हैं, खास करके जब लोड फीट में होगा तो तब ज्यादा रिस्की होता है। तो स्टैंडिंग करने के लिए भी हमने आइस एक्स है आपके पास, आप साइड में पकड़ सकते हैं इसको, वो हाथ आपका स्ट्रॉन्ग है लेफ्ट राइट साइड पकड़ना है, लेकिन अपना बैलेंस बनाने के लिए हाथ को आप खोला कर सकते हैं, और ग्रे सेटिंग करने से पहले बिल्कुल सीधा होकर खड़ा नहीं, बिल्कुल सीधा होना है, उठना है तो फिर अपने आपको लेफ्ट या राइट टर्न करना, तो बूट के एज के ऊपर एक लेग हम आगे रखते हैं, अगर राइट साइड वाला लेग रखा है तो हम लेफ्ट तरफ जाते हैं, अगर लेफ्ट लेग को आगे करेंगे थोड़ा सा तो हम राइट की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या खास करके आप तेजी से नहीं जाते हो बल्कि अपने स्पीड को चेक करते करते जाते हो, बूट के साथ हम स्की की तरह टर्न करते हुए अभी लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, मतलब टर्न करते करते जाना है। तो इसमें क्या है हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल तभी होगा जब हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर फॉल लाइन में होगा तो हमारा स्पीड तेज रहेगा, अगर हम उसको फॉल लाइन से हटाकर दूसरी साइड लेफ्ट या राइट साइड लाते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा।